अब हम जरा और डिटेल में जाएंगे देखिए जी, स्मॉल बिजनेस का जो वेराइट प्रॉब्लम यह है कि उसका साइज क्या है अच्छा वो साइज के ऊपर डिस्कस करेंगे अब क्योंकि जो चीज प्रॉफिट में शुरू होती है उसका प्रोसेस थिंकिंग से शुरू ही नहीं हो रहा यानी थिंक एंड ग्रो मैंने आपको बताया आपने एंटरप्रेन्योर के साथ लगाना उसका मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा स्मॉल स्केल शुरू करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से बिजनेस को मैं पे करता हूं कौन से वेंचर पे करता हूं फार्म लेता हूं या कुछ भी लेता हूं लेकिन उसके ऊपर मुझे नेट नेट प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू बनानी पड़ेगी ठीक है एनपीवी जिसको कहते हैं मुझे देखना पड़ेगा कि छह महीने बाद तीन महीने बाद उसके ब्रेक इवन कितना बनता है अगर मेरा ब्रेक इवन से कम है तो बिजनेस फ्लॉप है ऊपर है या बैलेंस करता है तो चलो मैं उसको चलाने की कोशिश करता हूं एक साल के अंदर ब्रेक इवन से ऊपर जाता है तो फिर मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ ब्रेक इवन पे रहता है तो मैं देखता हूँ कि यार ये तो कॉस्ट टू तो कॉस्ट जा रहा हूँ कट टू तो कट जा रहा हूं अगर लॉस पे जाता है तो उसको माइनस कर दिया जाता है बट एंटरप्रेन्योर जब कोई भी बिजनेस शुरू करता है प्रॉफिट में चला गया तो इनोवेशन उसकी जो है वो अरूज पा जाएगी और अगर उसको लो में चला गया तो उसको वो चीज हर्ट नहीं करेगी बल्कि वो उसके अंदर इनोवेशन ले जा करके वो और बेहतर कोई चीज को करेगा और वो कोई नए गैप को आइडेंटिफाई कर देगा नॉर्मली जो छोटे बिजनेस होते हैं वो फौरी तौर पे स्ट्रेस स्ट्रेस दे कम अंडर द फौरी तौर पे स्ट्रेसमेंट uh, नहीं हो सकता छोड़ दो हटा दो खत्म कर दो ये इसका चैलेंजिंग बातें आ जाती अब इन यूनाइटेड स्टेट्स सम ऑफ द लार्जेस्ट कंसर्न ऑफ द स्मॉल बिजनेस ओनर्स आर इन इंश्योरेंस कॉस्ट वन एज लाइबिलिटी एंड हेल्थ उसकी देनी पड़ेगी राइजिंग एनर्जी कॉस्ट वन टैक्स कंप्लाइंस इन यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया एंड द स्मॉल ओनर्स टेंड टू बी मोर कंसर्न विदेसिव गेड रेडिज्म एफ बी आर की कलेक्शन है फिर बिजनेस के ऊपर पढ़ते हैं बिजनेस ओनर्स ये कहते हैं कि हम पर टैक्स गलत पड़ रहे हैं वाजिबात गलत पड़ रहे हैं हमारे पर बिजली का जो खंभा लगाया जा रहा वो हमें पैसे लेके दिया जाता है तो हम उसको फिक्स कॉस्ट में डालें फिर जो ब्राइबरी होती है कि अगर मुझे अगर मैंने एक मीटर मांग ली है तो मुझे साढ़े तीन करोड़ रुपए का अगर एक किसी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में लगाना पड़ गया तो उसकी रिश्वत इतनी है तो रिश्वत को मैं फिक्स कॉस्ट में डालूं और अगर नहीं देता तो मुझे मीटर ही नहीं मिलेगा एंड दैट इज ओपन फैक्ट नाउ एंड इट इज ओपन फैक्ट इन ऑस्ट्रेलिया टू इट इज ओपन फैक्ट इन अमेरिका टू सो इस चीज को खत्म कैसे करें भाई तो क्या मैं ब्राइब को आ, उसको फिक्स कॉस्ट में डाल दूं नहीं ऐसा हो तो नहीं सकता लेकिन मुझे बिजनेस चलाने के लिए दस किस्म की रिश्वतें देनी है मुझे रजिस्टर करना है मुझे अगर रजिस्टर करना है तो मैं चाहता हूं मुझे एक महीने के प्रोसेस के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाए और अगर मैं नहीं करता तो मुझे साल तक लंबा करना पड़ता है एक महीने में लेता हूं तो वो कहता है कुछ दें फिर फाइल को पहिए लगाएं सो मूविंग ऑन हम इस चीज को छोड़ देते हैं बट समझाने के लिए मैंने बताया एनी थिंग्स कैन बी हैपन द एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है और जो कन्फिगर प्रॉब्लम है इसको आप कन्फिगर कर लीजिए फिगर आउट कर लीजिए इसको निकाल लीजिए तलाश कर लीजिए सबसे बड़ा मसला स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के अंदर बिजनेस प्लान नहीं होता टूल दैट इज कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द वेंचर ऑफ सक्सेस अब इन पाकिस्तान मेनी स्मॉल मीडियम चैनल ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर द बिजनेस विच ऑफन लीड्स टू ट्रेडिशनल लोन्स थ्रू द पर्सनल कनेक्शन ऑन हाई इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट में मिल तो जाते हैं बट पाकिस्तान का अस्सी फीसद स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज पर है और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को बैंक नहीं देता कर्जा जात और अगर देता है तो सफ़ारश से बहुत बड़े टैक्सेस के साथ देता है और बहुत बड़ा आपसे इंटरेस्ट लेता है अब इसके साथ अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो है आपके बिजनेसेस जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं आपका चमड़े की सनत डिक्लाइन आपका नमक वगैरह उनकी तलाश डिक्लाइन आपके इस प्लास्टिक इंडस्ट्री डिक्लाइन आपके छोटे कपड़े की सनतें डिक्लाइन सो हम इन सारी चीज़ों को जब उठाना चाहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग 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 मैं अक्सर ये कहता हूं कि इस टाइम पे पराठे के नाम से पंद्रह चीजें होंगी मार्केट में चाय शुरू हुई तो दो सौ टाइप की चाय आपको मिल रही है लेकिन हम फूड एंड सर्विसेज और इन चीजों की तरफ जा रहे हैं प्लीज खुदा जो चीजें एक्सपोर्ट होनी है वो आपकी मैनुफेक्चरिंग होनी है और मैं आपको फिर से बताता चलू जब चाइना की तरफ से रिडेंडेंट इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लाया जाना है नो बडी इज विलिंग टू हैव हमारे पास नौ इकोनॉमिक जोन है

और पैकेजिंग सबसे बड़ी पैकेजिंग इंडस्ट्री थी जर्मनी बेस्ड थी वो जब यहां से छोड़ के गए तो उन्होंने उसके बुरादे से जो बचता था उसके लिए दो टिश्यू के प्लांट लगा दिए दो तक वो फुलफिल करते थे और इतनी डिमांड जितनी इलीट में होती थी क्योंकि उस जमाने में अगर आठ दस साल पहले आप देखें तो अम्मा सोटियां मारती थी बेटा टिश्यू नहीं इस्तेमाल करना इट कॉस्ट यू हाई सो आपका पूरा का पूरा जो है वो बजट डिस्टर्ब होता था लेकिन आप टिश्यू जो है वो बिल्कुल आप उसको कैलकुलेट भी नहीं करते हैं दो हजार ग्यारह में ये हुआ कि वो अस्सी परसेंट पे आ गए दो हजार बारह में हुआ ये बल्कि दो हजार आठ में से शुरू हो गया था वो पचास परसेंट में गिर गए डिमांड हाई हो गई उन्होंने क्या हुआ पता चला कि जिस वक्त वो देख रहे थे कि यार ये लगाना ही फजूल है हम इस यूनिट को खत्म करने वाले हैं लेकिन वो खत्म नहीं किया था रोज पेटल के नाम से चलता रहा लेकिन फाइनली जब देखा कि मार्केट की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि चाइना से आना शुरू हो गए बाकी और मुल्कों से टिश्यू आ रहा है और कई और फैक्ट्रीज लगानी पड़ गई और अब आ, इंडस्ट्री जो है वो जरूरत बन गई है और आप उसकी पूरी कंजम्पशन की डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो फिर पता चला कि कितनी अहम थी ये मैं आपको एक रिडेंडेंसी की बता रहा हूं कि सम टाइम अब चाइना बहुत आगे चला गया उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो अब बाकी मुल्कों को वो देगा लेकिन पाकिस्तान और समेत बाकी तमाम को चाहे वो ताजिकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट्स इनको बाकी चीजों की मूवमेंट के पर होना चाहिए ना इन पाकिस्तान स्मॉल मीडियम फेस इज द चैलेंजेस ऑफ दिस हाई इंटरेस्ट वन एंड देन चैलेंज फॉर द बैंक इज टू नॉन परफॉर्मिंग लोन एन कहते हैं जिसको

और फिर आपकी स्लॉटरिंग आती है फिर आपने देखना है मीडियम को अलग रखते हैं स्मॉल को अलग रखते हैं लेकिन मैंने आपको टोटल रेंज भी बता दी विच इज ड्रॉप डाउन फ्रॉम टू सेवन टू आपके पास सेवन पॉइंट पर आगे दो हजार सोलह से दो हजार बीस तक दोटल नंबर ऑफ एस एम ई बोर इंक्रीज बाय टू थ्री थ्री नाइन पॉइंट नाइन नाइन थ्री फोर इन फाइव इन सो अब आपने देखा होगा ये आउटस्टैंडिंग एस एम ई फाइनेंसिंग एस एम ई फाइनेंसिंग इन परसेंटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड देन फिर आपका एनपीएल जो है वो जो उसकी रेशो निकालना है वो आप देख लीजिए अच्छा नंबर ऑफ स्मॉल वो टोटल आप देख लीजिए तो आप पूरे दो हजार सोलह के अंदर जरा डिफरेंस देखिए और दो हजार बीस के अंदर देखें आपके सामने एक एग्जाम्पलरी चीज आ चुकी है तो हमें करना क्या है लास्ट स्टेटमेंट देते हुए मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के स्मॉल स्केल को आपने आइडेंटिफाई करना है मस्ट हैव टू एलिवेट दिस एरिया एज पॉस एज सुन एज पॉसिबल एंड ऑल द एस पॉलिसी मस्ट हैव टू बी एक्टिव विद इन नो टाइम इट शुड बी ऑन द इमरजेंसी बेसिस एंड देर शुड बी द एस पॉलिसी ऑन इमरजेंसी बेसिस थैंक यू